हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा मोदक। तो ये रवा मोदक आप इतने सरल है बनाने में कि कभी भी आप ये बना सकते। तो ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनके तैयारी हुई है, और मैंने हाथों से बनाए, कोई सांचे की सहायता से नहीं बनाए। तो आप भी हाथों से ये मोदक बना के और गणेश जी के भोग लगा सकते। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा मोदक बन के तैयारी हुआ है। तो चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं गैस के ऊपर एक फ्राई पैन रख दिया। कोई भी कढ़ाई या फ्राई पैन आप ले सकते हैं। तो गैस को ऑन कर दिया। ये ले लिए घी। तो देसी घी से मोदक बनाते हैं तो इतना अच्छा बनते। तो ये घी मैं 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया, और घी को अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ। तो कटोरी के अंदर घी और रख लिया। तो जब आपने को ज़रूरत पड़ेगी तो घी और डाल लेंगे। तो ये देखिए घी अच्छे से गर्म हो गए हैं। तो लो या मीडियम में फ्लेम पे बना के तैयारी करना है। तो ये लिए 1/2 कप सूजी। तो महीन सूजी लिए, महीन सूजी लोगे तो आप अच्छा बनेगा। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके सूजी डाल देती हूँ इसके अंदर। तो घी अच्छा गर्म हो गया है, सूजी को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो लो या मीडियम फ्लेम पे इस सूजी को भून की तैयारी करना है। तो सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए सूजी भूनने लग गई है। तो आप इतने ही रख सकते हैं घी, मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। आपको ज़रूरत लगे तो आप और डाल सकते हैं, और नहीं कोई इसमें ज़रूरी नहीं है और डालना, पर मैं थोड़ा सा घी इसके अंदर और डाल दिया। और फिर से 1 मिनट इसको सूजी को भून लेती हूँ। तो ये देखिए सूजी भून की तैयारी हो गई है, अच्छी खुशबू आने लग गई है सूजी में। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। अभी ये फ्राई पैन गर्म है तो 2 मिनट फिर से चला के सूजी को निकाल दिया। यही फ्राई पैन 2 की मैं वापस रख दिया गैस पे। तो जिस कप से मैंने सूजी ली उस कप से 2 कप दूध है, तो ये 1 कप इसमें दूध डाल दिए। तो सूजी से डबल दूध डाला है। आपको ऐसे लगे कि तो आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी आप कर सकते। सूजी से 1/2 मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। तो जितनी सूजी ली उनसे आधी चीनी डाल रही हूँ। आपको मीठा कम या ज़्यादा लगे तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी और भी डाल सकते। तो चीनी को डाल के अच्छे से चीनी को मिक्स कर दिया, और दूध में उबाल आ गई है, अच्छी उबाल आ गई है दूध में। तो अब इसमें डाल देती हूँ जो सूजी निकाली भून की वो सूजी। तो थोड़ी थोड़ी सूजी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर। तो एक साथ डालेंगे तो इसमें कोई लम्स वगैरह रह जाएगी, पर थोड़ी थोड़ी करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इसमें कोई लम्स और नहीं है, अच्छे से सूजी मिक्स हो गई है। तो आपको पूरी प्रोसेस कोई भी कटोरी या कप से आपको माप बना लेना है। तो अब देखिए इसमें डाल देती हूँ टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और बहुत ही अच्छी ये कलरफुल लगेगी। और टूटी फ्रूटी आपको घर पे बनानी है, इसका वीडियो देखना है तो मैं आपको लिंक डाल देती हूँ नीचे। मैंने टूटी फ्रूटी घर पे बनाई है। ये डाल रही हूँ इसमें नारियल का बूरा। तो आप नारियल को घर पे कस की वो नारियल का बूरा भी डाल सकते थे, और मार्केट से लाए हुए नारियल का बूरा भी आप डाल सकते। और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें मैं जो चीज़ डाल रही हूँ वो चीज़ें डालनी आपको ज़रूरी है। तो इसमें नारियल का बूरा और टूटी फ्रूटी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब इसके अंदर डाल देती हूँ। आप फ्लेवर के लिए भी आप जैसे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और भी जो आपको फ्लेवर पसंद है वो भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो इलायची पाउडर से इसमें अच्छा फ्लेवर आता है, और इसमें खाने में भी एक अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच मिल्क पाउडर। तो 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है मैं कि हल्का इसमें अच्छा एक टेस्ट आएगा, हल्का हल्का मावे का टेस्ट आएगा।
तो आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, या आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो दूध को 2 मिनट उबाल लोगे, दूध हल्का गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें भी एक मिल्क पाउडर जैसा फ्लेवर आ जाता है और टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए सारे चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब हल्की ये फ्राई पैन छोड़ने लगे, ये देखिए पूरा ये मिक्स एक जगह इकट्ठा होने लग गया है। तो अब अच्छा सा मिक्स एकदम चिकना हो गया है, देखिए एक जगह इकट्ठा होने लगे। अब गैस के फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। इसको इतना ही गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए अच्छा हो गया। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और ऑफ करके भी इसको 2 मिनट ऐसे चलाते रहिए, फिर कोई बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए अब एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लिया इसको और ये हल्का ठंडा हो गया। तो हल्का ठंडा हो गया, जब भी मैं इसको मोदक बना लेती हूँ तो देखिए मैं हाथों से इसका मोदक बना रही हूँ। तो आपको जितना बड़ा जैसे छोटा या बड़ा मोदक बनाना है उस हिसाब से इसको आप क्वांटिटी में थोड़ा बढ़ा सकते। तो मैं इसको एकदम नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भी नहीं बना रही और छोटा ही नहीं। तो ये देखिए इतना बड़ा मैं मोदक बना रही हूँ। तो आराम से ये मोदक हाथों से बन के तैयारी हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो अब कोई भी आप स्पून की सहायता से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए हल्के हल्के इसमें डिजाइने बन जाएगी। तो ये एकदम मोदक जैसे सांचे से मोदक बनाते वैसा ही मोदक बनके ये तैयारी हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए मैं एक मोदक और आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इसी तरह आप मोदक बना के तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ये मोदक बना लिए, इसी तरह मैं सारे मोदक बना के तैयारी कर लेती हूँ। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप 10 मिनटों में मोदक बना के और गणेश जी के भोग लगा सकते। तो ये देखिए सारे मोदक बन के तैयारी हो गए और कितने अच्छे मोदक बनाए, और इसमें टाइम भी नहीं लगता है। ये 10 मिनटों में मोदक बन के तैयारी हो गए। तो ये देखिए ऐसे नहीं लग रहा कि ये हाथों से मोदक बनाए हैं, और इसमें कोई भी टाइम नहीं है लगता है। तो प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले रेसिपी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करके ज़रूर बताइए।